तो गाइस आज हमारे जाने के कहीं काफ़ी जगह जाने के प्लान थे, जैसे कि बार और राजस्थान में हमारे जोधपुर को एक्सप्लोर करने का प्लान था, अंदर गलियों में घूमने का प्लान था मेरा, अच्छी अच्छी जगह देखने का, अच्छे अच्छे सीन देखने का प्लान था, पर सारा कुछ चौपट हो गया। बताऊँ किस लिए, क्योंकि एकदम हमारा जाने का पूरा प्लान था फिक्स फुल टू, फिर एकदम से तो सौरभ जी की अपने तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, बुखार वगैरह आने लग गया है, कोरोना वगैरह नहीं है कहना मत वाली है, इसलिए अब नहीं जा पाए। फिर मैंने मस्त गर्मा गर्म दूध पिया दाखों के साथ, जो कि बहुत मज़ा आ गया, मतलब पीने का गर्मा गर्म सर्दी में। और फिर मैंने कहा मैं चला चलो भाई कूप तो बहुत टेस्टी था और चलते हैं। फिर मैंने ब्रश वगैरह किया जो कि आप देख ही रहे हैं। फिर भाई अपन तो चले घोड़े बेचकर सोने के लिए, मैंने कहा भाई बहुत नींद आ रही है, लाइट वगैरह बंद करो और सो जाओ। फिर सुबह उठा, मुर्गा बोला और अपनी लाइट चालू, और भाई गर्मा गर्म चाय आ गई है, गर्मा गर्म चाय पी लो भाई चाय, और चाय का एक सूप लेते परम आनंद। फिर यहाँ रिधिमा जी ने कुछ स्पेशल बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी दोपहर को, तो गाइस आज तो यहाँ पर बहुत टेस्टी खाना बन रहा है, तो मजा आने वाला है खाने में, बनाते हैं जल्दी से फटाफट हम लोग और खाते हैं। खुद बोली कि आप लोगों को बता, डिश तो तैयार थी जो मैंने चखी, ओ भाई मजा आ गया, उंगली चाटते रह गया, मतलब ऐसे ऐसे मुंह से इस एक्सप्रेशन निकल रहे थे मेरे, तो देखने लायक थे। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला है कि ये खाना ऐसा बनाने का, मतलब बनाने का मजा ही कुछ और है, खाने का तो है ही नहीं, प्रसाद तो बनाने का भी बहुत अच्छा मजा आ जाता है, मतलब देख के ही मन तो कर रहा है यहाँ से। हाँ तो कोई भी नहीं, मम्मी सब पीछे वो खींचे वगैरह बना रहे हैं, तो आज हम लोग अकेले ही बना रहे हैं, मैंने भी पूरा फुल सपोर्ट किया है, इसलिए अच्छे बने, सबर का फल मीठा होता है। फिर हम सब लोगों ने नीचे बैठकर हम सब लोगों ने साथ में मिलकर लंच किया, खाना खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बातें भी की हम लोगों ने, देखा दही पे डुबा डुबा खा है बच्चा, खाने दो खाने दो खाने दो। अभी जस्ट हम लोगों ने खाना खाया है और मम्मी वापस काम पर लग गई अपने केक बनाने के लिए, ऑर्डर आ गया, तो मम्मी मतलब देख लो यार, सुबह 5 बजे उठती हैं, शाम को 8-10 बजे तक तो काम ही काम करते हैं, फिर सोती हैं, फिर वापस सुबह 5 बजे उठ जाती, तो कितना मम्मी आप ही तक काम कैसे कर लेते हो यार, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज है देखा, फिर भी थकते नहीं है, फिर भी काम करते, हाँ भाई आने दो आने दो आने दो, और अब तो आराम भी नहीं करेंगे, आज तो दोपहर को मेरे को ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं शहर, एक जोड़ी कपड़ा लेने, मजा कर रहे हैं, कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं शादी के लिए, और फटाफट निकलते, तैयार होता हूँ और निकलता हूँ। तो गाइस आज फिलहाल मैं और मम्मी आ रखे हैं मार्केट में, और ये मम्मी किधर गए, यहाँ ये रहे स्कूटी लेकर आए हैं, आगे चलते हैं और खरीदारी करने के लिए। तो फिलहाल गाइस आ चुका हूँ यहाँ पर दुकान पे, वीवा कलेक्शन पे और लेते हैं, ये मैरून कलर का है, एक ये बनारसी कलर का है, कुर्ता ले रहा हूँ, एक आम का नहीं है, बस इसमें लेंगे, ये लो कड़क बहुत है, ये मतलब ये नीचे तो वो पहन आ रहा है ना, ऐसा नहीं भाई शादी में पहनने के लिए, येलो मत दिखाओ भाई, कोई और कलर, येलो तो ले लिया था, येलो और ब्लू हो गया, ये रेड भी हो गया अभी तो, ये अच्छा लग रहा है, पिंक है ये, एक मिनट थोड़ा खोलना भाई, 16-40, 820, ये कलर हमने डिसाइड किया है ग्रीन कलर का, बहुत अच्छा, दो कुर्ते दिए हैं, पैंट दिखा दो ग्रे कलर की, मैंने आपको कहा था, ये रेड कलर का मैंने लिया कुर्ता, और एक वो भी दिखा है वो वाला लिया मैंने, तो यहाँ पर 20 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने कुर्ते सारे कंप्लीट कर लिए, एक पैंट भी ले ली, देख लो फटाफट, एक ये है ब्लैक कलर का शर्ट लिया इसके ऊपर। तो यहाँ फाइनली पूरी शॉपिंग अपनी हो चुकी, एक दुकान से सारी चीज़ें ले ली मैंने, अब एक शर्ट लेना वो कहीं और से लेंगे। वो पीछे से दाद में ध्यान मिच को मारा,
बंद है हमेशा हम कभी भी कोई चीज गाले के तो ते बोल नहीं तुम रानो पता नहीं धीरे धीरे गाले के हम है लड़की चुन चुन किया बोल नहीं ठीक है बोल नहीं ठीक है तो भाग तो जा बेर हो के दोस्ती We'll be right back.